गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की मैं आपके लिए इंग्लिश में टॉपिक लेके आया हूँ जिसका डायरेक्शन है यस यस तथा पीपी के आधार पर निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यानी कि यस यस और पीपी का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यस यस, देखिए यस का मतलब सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यस यस का मतलब क्या होता है, पीपी का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए यस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और यस का मतलब सिंगुलर वर्ब। यानी कि जब भी हम सेंटेंस में हम करेक्ट उसको करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, ठीक है। पीपी का मतलब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसमें आपको यही ध्यान देना है कि अगर हमारा जो कर्ता है सब्जेक्ट है तो उसमें हम अगर सिंगुलर है कर्ता तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर कर्ता प्लूरल है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा पहला सेंटेंस है इसको हम लेते हैं, पहला सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है कि द सन राइज इन द ईस्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, द सन राइजेस, क्या हो जाएगा, राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा नंबर है मोहन गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन देखिए सिंगुलर करता है ना तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, ऐसा होगा। अब देखिए तीसरा है टीचर टीचेस, यानी कि जो यहाँ पे टीचर है प्लूरल है तो आप यहाँ पे वर्ब में प्लूरल रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर हो गया, टीचर टीच, टीचर टीच होगा इन द क्लास, इन द क्लास, ऐसा, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आपका अगला सेंटेंस है इसको आप देखिए, अगले सेंटेंस में यह लिखा है चौथा में कि सी राइट ए लेटर, देखिए सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, वर्ब भी सिंगुलर रखोगे, यहाँ पे राइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट्स ए लेटर, ऐसा, ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर है आपका दे प्लेज गेम, अब दे देखिए प्लूरल है, दे आपका जो करता है प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे के साथ प्ले हो जाएगा, दे प्ले डेली, ऐसा, ठीक है। अब देखिए अब जो छठवां नंबर है इसमें हम देख रहे हैं कि वी क्या है, वी ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि हम लोग दूध पीते हैं, मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो अब वी देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी कि वी के साथ क्या होना चाहिए, ड्रिंक, यानी कि एम्प्लॉयर होना चाहिए, जैसे वी ड्रिंक, वी ड्रिंक मिल्क, ऐसा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रखने का मतलब हमने बताया कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हमसे जुड़े रहे वीडियो को देख के समझ रहे होंगे, तो इस पे जो डिपेंड एक्सरसाइज है आप उसको जरूर करिएगा, आप इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।